अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूरोपियन कमीशन ट्रेनीशिप प्रोग्राम 2023 के अबाउट। तो यूरोपियन यूनियन ने 1800 प्लस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट की है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं, फर्दर अपना फ्यूचर बिल्डअप करना चाहते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करेंगे। लास्ट डेट अप्लाई की जो है वो 31 जनवरी 2023 है। तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आप चलते हैं यूरोपियन कमीशन ट्रेनीशिप प्रोग्राम की डिटेल्स देखते हैं। तो कंट्री में बस यूरोप है, ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन कमीशन, डेडलाइन 31 जनवरी 2023 है। एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल लेवल बी एस मास्टर्स पी एच डी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ डिस्कस करते चलें तो स्टूडेंट्स को जो है वो उनके पास बीएस की डिग्री होनी चाहिए, सीजीपीए 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है कमांड हासिल होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस जो है वो उनके पास होना चाहिए। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्टीफन अमाउंट की डिटेल आपको बताते चलते हैं। स्टीफन ऑफ 1,25,268 यूरो पर मंथ, लिविंग अलाउंस, फी अकोमोडेशन, बुक अलाउंस, एयर ट्रेवल टिकट, अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई द यूरोपियन गवर्नमेंट। ओके, आप इस ट्रेनरशिप प्रोग्राम के जरिए काम कौन कौन से करेंगे वो नीचे मेंशन है। यू विल अटेंड एंड ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, वर्किंग ग्रुप्स, आप मीटिंग्स में जो है वो अरेंजमेंट करेंगे, वर्किंग टीम्स में, ग्रुप्स में जो है वो वर्क करेंगे, और ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हैं। यू विल हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क रनिंग वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। देन आपके साथ डिस्कस करते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, वैलिड वीज़ा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस फ्रॉम योर प्रोफेसर, मोटिवेशनल लेटर, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी वेबसाइट के ऊपर मेंशन होगा। प्रोसीजर के अप्लाई करने का थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है वो उनके थ्रू आप अप्लाई कर, यूरोपियन यूनियन कमीशन के थ्रू जो है वो अप्लाई करेंगे, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे एम एस पी एच डी जिसमें भी आपने जो है वो अप्लाई करना है। दैन रिकमेंडेड स्टूडेंट्स को फर्दर इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। अगर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है ड्यूरिंग फेलोशिप तो फर्दर उसको जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जाएगी बाय द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन है। हाउ हार्ड इट टू बी गेट इन टू द ब्लू बुक ट्रेनीशिप, तो इसमें 15,000 जो है वो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन वो करेक्ट है तो होपफुली आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आर ई यू ट्रेनीशिप पेड, यस, आपको जो है वो ये स्टीफन अमाउंट दी जाती है और उसके थ्रू जो है वो आप ये प्रोग्राम कम्प्लीट करते हैं। डज ट्रेनीशिप काउंट एज एम्प्लॉयमेंट, यस बिल्कुल, आपको जो है यू कैन एड इन टू योर सी वी आर रिज्यूम, ये जो आपका एक्सपीरियंस होगा इसको आप क्या कह सकते हैं एज एम्प्लॉयमेंट, आपने काम किया साथ आपने स्टडी की आपने वर्क किया तो आप इसे जो है वो फर्दर किसी और जॉब के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी सी वी में, अपने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये हमारे पास यूरोपियन कमीशन ट्रेनीशिप प्रोग्राम की डिटेल। तो ये बहुत अच्छी ऑफर है, जो स्टूडेंट्स जो है वो फॉरन कंट्रीज़ में जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो वो इसके लिए अप्लाई करें। एंड मज़ीद नई वीडियो से मैं से बने रही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।